Hello guys, welcome back to my YouTube channel Superstyle Beauty Health Tips. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है या आपको बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं तो उनके लिए कुछ घरेलू उपाय. दोस्तों, खर्राटे की प्रॉब्लम होती है इससे आपको तो परेशानी नहीं आती क्योंकि आप तो मस्त हो जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली मेंबर को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. साथ के साथ अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करना पड़ता है. कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप जो है अपनी खर्राटे की प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर सकती हैं. सो फ्रेंड्स, टिप नंबर वन है आपका, वो है आपकी गरारे. आप जो है डेली सोने से पहले और जो है उठने के बाद दो बार, कम से कम एटलीस्ट टू टाइम्स जो है डेली गरारे कीजिए. गुनगुने पानी में 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट, नमक को मिक्स करके उसका आप जो है गरारा कीजिए. गरारा करने से आपकी नाक, आपकी गले की ठीक से सफाई होगी, जिससे आप ठीक से ऑक्सीजन ले पाएंगे और आपकी जो खर्राटे की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी. फ्रेंड, टिप नंबर टू है, वो है हमारा गर्म पानी. आप जो है सोने से पहले डेली गर्म पानी का सेवन कीजिए. गर्म पानी का सेवन करने से आपके जो गले की ठीक से सिकाई हो जाएगी, आपकी गले की और नाक की अच्छे से सफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से भी आपको सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आपको खर्राटे लेने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. दोस्तों, टिप नंबर थ्री है हमारा, वो है हमारा शहद. दोस्तों, शहद जो होता है ये एक दवा की तरह ही काम करता है. ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी काफ़ी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने में. सो फ्रेंड्स, इसी तरह शहद जो है आपकी खर्राटे की प्रॉब्लम को भी जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है. आप जो है डेली शहद का सेवन कीजिए. आप दिन में जो है 2 से 3 बार 1-1 चम्मच शहद का सेवन कीजिए. इससे भी जो आपकी खर्राटे की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी. दोस्तों, टिप नंबर फोर है, वो है हमारा हल्दी वाला दूध. दोस्तों, हल्दी वाला दूध भी आपके खर्राटे की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा है, एक अमृत के समान है. जो है आप डेली जो है हल्दी वाले दूध का सेवन कीजिए. इससे भी आपकी जो खर्राटे की प्रॉब्लम है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी. दोस्तों, हमारे जो खर्राटे की प्रॉब्लम होती है, जो हमारी श्वास नली में गंदगी वगैरह जम जाने के कारण होती है, जिससे हम जो है रात को ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमें जो खर्राटे की प्रॉब्लम हो जाती है. अगर आप बहुत ज़्यादा धूमपान वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह, तो उसका बिल्कुल भी सेवन ना कीजिएगा. ज़्यादा ठंडे गर्म का सेवन भी ना कीजिए. और अगर आप जो है सोते समय जो है करवट जो है चेंज करते रहें तो ये भी बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है. दोस्तों, मैंने आपको जो टिप बताई है इन्हें ज़रूर जो है अप्लाई कीजिएगा. इससे आपकी खर्राटे की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी. और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, अगर उनके भी खर्राटे वाली प्रॉब्लम है तो. सो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ. आज के लिए बाय बाय, टेक केयर.